हो गया अगर आप बात करेंगे एनडीए का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है आप लोग का, आप लोग का सीट मंत्रिमंडल जल्दी होगा के बारे में मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन, मैं आपके साथ अब्जी सिंह। बिहार में अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे नहीं की गई है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान नजर आया है और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी क्या कुछ करे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले सुन उनकी बातों को। हो गया एनडीए का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है आप लोग का, आप लोग का सीट मंत्रिमंडल जल्दी होगा के बारे में मिलेगा, क्लियर नहीं हो रहा है लगे सर। पशुपति पारस भी रहेंगे क्या सर? इंडियन नॉलेज वेल है जल्दी होगा सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा, लगे हुए इंडिया में सब ठीक है सर, इंडिया में ऑल इज वेल है, बहुत जल्दी सर इंडिया में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री जी नाम में क्लियर होगा सर, एक्सपेंशन कब होगा, कैबिनेट मंत्रिमंडल होगा कब होगा सर, मंत्रिमंडल बहुत जल्दी होगा। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पर कदम नजर आ रहे हैं कि सभी कुछ हो गया है, आज कहीं ना कहीं शाम तक भी ऐलान कर दिया जाएगा सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन वहीं बात करें तो जिस तरह से बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज है, तो उसको लेकर भी साफ तौर पर कह दिया कि सब कुछ हो गया है, जल्दी ही विस्तार हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो नाराजगी है वो कही जा रही है और जो विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, और जिस तरह से बात करें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करें, विजय कुमार सिन्हा मुलाकात करें, और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं जो जीतनराम मांझी है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं, जो लगातार वो कहते नजर आ रहे थे कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, लेकिन जिस तरह से बिहार में कैबिनेट की जो चर्चा है विस्तार को वो लगातार चल रही है, तो वहीं सीट बंटवारे को लेकर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा, मतलब जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा सभी कुछ हो गया, या शाम तक भी जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार में भी बिहार एनडीए की जो सीट बंटवारे की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज थी और उस पर बड़ा बयान देते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि जो बिहार में कैबिनेट विस्तार भी है होना है और जो कैबिनेट अभी तक विस्तार नहीं हो रहा है उस पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी कुछ हो गया है, तो एनडीए में क्या नाराजगी चल रही है उस पर भी साफ तौर पर सवाल किया गया तो उस पर भी कुछ बोलते नजर आ नहीं आए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं सभी कुछ जल्द ही कर लिया जाएगा और सीट बंटवारे पर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं कि आज शाम तक भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि सम्राट चौधरी हो या विजय कुमार सिन्हा हो वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे और आज कहा जा रहा था कि आज ही कैबिनेट का भी विस्तार होगा, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि कैबिनेट का विस्तार तो टल गया, अब कहा जा रहा है कि कल तक जो कैबिनेट का विस्तार है वो किया जाएगा। लेकिन सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शाम तक भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कहीं ना कहीं दिख रहा है नीतीश कुमार के द्वारा बिहार पर, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर, तो कहीं ना कहीं आज शाम में ऐलान होगा और जिस तरह से कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है वो कल तक संभवतः कहा जा रहा है कि हो जाएगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों पर न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।